सत्य खबर देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। अरे चैनल पर आए गए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो और यह घंटी भी बजा दियो। डीएसपी दिलीप सिंह का तबादला उचाना से कैथल में हो गया है। इस दौरान थाना प्रभारी कृष्ण कुमार की अध्यक्षता में विदाई पार्टी का आयोजन किया गया और सभी पुलिस कर्मियों द्वारा एक साथ किए कार्यों को याद किया गया और डीएसपी को नई जगह के लिए शुभकामनाएं दी गई। वही दिलीप सिंह ने कहा कि सेवा क्षेत्र में स्थानांतरण होना प्रशासनिक प्रक्रिया का अंग है। व्यक्ति जहां भी रहे वो नियमों के अनुसार आचरण करे ताकि उनकी सेवाओं का लाभ संबंधित व्यक्तियों को सही रूप से मिल सके। और क्या कुछ कहा आइए आपको सुनवाते हैं। विदाई तो देखो हमारी जॉब में होती रहती है, ट्रांसफरेबल जॉब है, तो पार्टी तो नहीं कह सकते, लेकिन थाने के SHO साहब चाणा जी, कृष्ण जी और इंचार्ज चौकी, तो इनसे जाते जाते मिलने का मन था तो मैं सोचा कि इनसे मिल के चलूँ और कैथल मुझे ज्वाइन करना। बता दें कि दिलीप सिंह ने उचाना डीएसपी के तौर पर मार्च 2019 को कार्यभार संभाला था। दिलीप सिंह इससे पहले उचाना में बतौर थाना प्रभारी दो बार रह चुके हैं। 25 मई 2010 से 8 फरवरी 2011 तक, 16 सितंबर 2011 से 27 दिसंबर 2012 तक थाना प्रभारी रहे हैं। सत्य खबर के लिए उचाना से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।